गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आशा करती हूँ आप सब प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक नवीन पल्लव पढ़ाने जा रही हूँ। इसका पाठ 6 है, देखिए। सीखो नामक कविता। इस कविता के रचयिता हैं श्रीनाथ जी सिंह। देखिए कविता है, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। डियर चिल्ड्रन, इस कविता की मैं व्याख्या करने जा रही हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि प्रकृति हमारी सबसे बड़ी शिक्षिका है और अपने प्रत्येक रूप में हमें आगे बढ़ने का संदेश देती है। फूलों से हमें हमेशा हंसना सीखना चाहिए। जब फूल खिलते हैं तो वो मुस्कुराते रहते हैं, हमें भी कभी दुखी नहीं रहना चाहिए। फूलों की तरह हमेशा हमें हंसते रहना चाहिए। फूल खिलने के कुछ समय पश्चात मुरझाकर डाली से गिर जाते हैं, लेकिन उन्हें गिरने का दुख नहीं होता है। लेकिन फिर भी फूल ये सोचकर दुखी नहीं होते हैं, अपितु हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। उसी प्रकार यदि हमारे जीवन में भी कोई दुख आ जाए, कोई कष्ट आ जाए, हमारे ऊपर कोई विपत्ति आ जाए, तो हमें भी उस दुख से, विपत्ति से, कष्ट से घबराना नहीं चाहिए, उनका सामना करना चाहिए और फूलों की तरह हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। जैसे भौरे हमेशा खुशी से गुनगुनाते रहते हैं, उसी प्रकार हमें भी हमेशा अपने जीवन में गुनगुनाते रहना चाहिए। वृक्ष की डालियां हमेशा झुकी रहती हैं, उन झुकी डालियों से हमें अपना शीश झुकाना सीखना चाहिए। हमें अपने अंदर का अहंकार और घमंड त्याग कर नम्रता का भाव रखना चाहिए, क्योंकि विनम्र व्यक्ति ही हमेशा दूसरों के सामने अपना शीश झुकाते हैं। आगे देखिए, सीख हवा के झोंकों से लो हिलना जगत हिलाना, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। हवा से हमें नए नए कार्य करने की प्रेरणा लेनी चाहिए और जिस प्रकार दूध और पानी आपस में मिल जाते हैं, उसी प्रकार हमें भी हमेशा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। प्यारे बच्चों, हमेशा इस बात को अपने ध्यान में रखना कि हमें अपने मन में ईर्ष्या की भावना, द्वेष की भावना या जाति पाति की भावना नहीं रखनी चाहिए। हमें हमेशा सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, कि उसी प्रकार से जैसे दूध और पानी आपस में मिलकर एक हो जाते हैं। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। देखिए, जैसे सूरज की किरणें सुबह सुबह सारे संसार को प्रकाशित करती हैं, सभी एक नए उमंग के साथ सुबह उठकर अपने कार्य का प्रारंभ करते हैं। सूरज की किरणें हमें जगाती हैं, हमें भी हमेशा अच्छे कार्य करने के लिए जागरूक रहना चाहिए और दूसरों को भी जागरूक करते रहना चाहिए। जिस प्रकार लता और पेड़ आपस में लिपट जाते हैं, उनके अंदर भेदभाव की भावना नहीं रहती है, ठीक उसी प्रकार हमें भी एक दूसरे के साथ बिना भेदभाव के मिलजुल कर रहना चाहिए।
वर्षा के बूंदों से सीखो, सबसे प्रेम बढ़ाना मेहंदी से सीखो, सब ही पर अपना रंग जमाना। देखिए, जब बारिश होती है तो प्रत्येक स्थान पर एक समान होती है। बारिश की बूंदों से पेड़ पौधे खुशी से झूम उठते हैं। चारों तरफ प्रकृति में हरियाली ही हरियाली छा जाती है। सभी पेड़ पौधे प्रसन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार हमें भी प्रसन्नता से प्रेम पूर्वक एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। जैसे मेहंदी अपना रंग चढ़ाती है, ठीक उसी प्रकार से हमें भी दूसरों पर अपना रंग चढ़ाना चाहिए। अर्थात यदि कोई गलत राह पर है या बुरे कार्यों में लिप्त है तो हमें उसे बचाना चाहिए और अपने अच्छाई का रंग उस पर चढ़ाकर उसे सज्जनता का भाव सिखाना चाहिए। मछली से सीखो, स्वदेश के लिए तड़प कर मर जाना। पतझड़ के पेड़ों से सीखो, दुख में धीरज रखना। दीपक से सीखो, जितना हो सके अंधेरा हरना। पृथ्वी से सीखो, प्राणी की सच्ची सेवा करना। डियर चिल्ड्रन, ध्यान से सुनिएगा। मछली को जल से अलग कर दिया जाए तो वह जल के बिना तड़प कर मर जाती है। उसी प्रकार हमारे अंदर भी अपने देश के प्रति ऐसी भावना होनी चाहिए। पतझड़ का मौसम जब आता है तो पेड़ों के पत्ते सब गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी पेड़ दुखी नहीं होते हैं। उसी प्रकार यदि हमारे जीवन में भी कोई संकट आ जाए, हमारे ऊपर कोई विपत्ति आ जाए या हमें विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़े, तो भी हमें कभी भी उदास या दुखी नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हमारा समय एक दिन जरूर बदलेगा। जिस प्रकार दीपक हमेशा अंधकार का हरण करके प्रकाश को फैलाता है, हमें भी उसी प्रकार अज्ञानता को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाना चाहिए। जिस प्रकार पृथ्वी सबका भार सहकर सभी को प्रसन्न रखती है, सभी की सेवा करती है, उसी प्रकार हमें भी सबकी सेवा और रक्षा करनी चाहिए। जल धारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। जल की धाराएं सदैव आगे ही बढ़ती हैं, हमें भी उनसे आगे बढ़ने की शिक्षा लेनी चाहिए। अपने जीवन पथ पर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। धुआं हमेशा ऊंचाई पर ही जाता है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, धुआं हमेशा ऊंचाई पर ही जाता है, धुआं नीचे नहीं आता है। हमें उनसे ऊंचाइयों पर जाने की शिक्षा लेनी चाहिए। अर्थात हमें सफलता के उच्च शिखर पर पहुंचना चाहिए। डियर चिल्ड्रन, इस प्रकार प्रकृति हमेशा जीवन में आगे बढ़ने की सीख देती है। डियर चिल्ड्रन, आज आप अपना होमवर्क नोट कर लीजिए। देखिए, शब्द मैत्री, ये शब्द अर्थ है, इसे आपको याद करना है। नित, नित का अर्थ होता है रोज। तरु, तरु का अर्थ होता है वृक्ष, पेड़ आदि। लता, लता का अर्थ होता है बेल। स्वदेश, स्वदेश का अर्थ होता है अपना देश। पतझड़, पतझड़ का अर्थ होता है पत्तों का गिरना। हरना का अर्थ होता है दूर करना। जलधारा,
जल की धारा, पथ का अर्थ होता है रास्ता, राह, मार्ग आदि। डियर चिल्ड्रन, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि इस कविता का वाचन आप कम से कम 2 बार करिएगा और इस कविता को याद भी करिएगा। और मैंने इस कविता की व्याख्या की है, आप उसे ध्यानपूर्वक सुनकर समझने का प्रयास भी करिएगा और कठिन शब्दों को छांटकर लिखने का भी प्रयास करिएगा। ये बात मैं आपसे हमेशा कहती हूँ। थैंक यू।